हेलो गाइज, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल कॉन्टैक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मल्टीपल कॉन्टैक्ट क्या होता है? जैसे कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हो, किसी पर्सन का जब नाम यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में सर्च करते हो तो उसी नाम से बहुत सारे नाम जो है सामने दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसी को कहा जाता है मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, यानी कॉन्टैक्ट नंबर सेम होता है और नाम भी सेम होता है दोस्तों, लेकिन कई सारे जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल कॉन्टैक्ट बनने के कई सारे रीजन होते हैं। जैसे कि अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट को यूज करते हैं और आपने कभी उस अकाउंट में एंट्री करवाई होगी, जैसे कि कोई जीमेल में अगर आपने डबल एंट्री करवा रखी है, तो हो सकता है मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स आपके देखने में आ जाए, या फिर किसी भी कारण से दोस्तों यहाँ पर जो है मल्टीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बन जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मल्टीपल कॉन्टैक्ट जो बन जाते हैं इन्हें मर्ज कैसे किया जाए, इसी के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ में। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि कैसे जो है अगर आपकी मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है एक ही नाम से बहुत सारी एंट्री हुई है, तो आप बस दोस्तों एक क्लिक में जो है आप सारे कॉन्टैक्ट्स को एक ही कॉन्टैक्ट में मर्ज कर सकेंगे। दोस्तों, ये बात का ध्यान रखें कि अभी आने वाले बहुत से फोन्स में जो है ये फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है कि आप पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट्स को जो है मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में ये फीचर नहीं है या फिर ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो आप जो है प्ले स्टोर से भी कई सारे ऐसे कॉन्टैक्ट मर्ज वाले एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जो कि डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट को एक कॉन्टैक्ट में मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जहां से हम कॉन्टैक्ट सेव करते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करते हैं उस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ ऐसा जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको सेटिंग में जाना होगा। तो आप जो है यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको सेटिंग में जाना होगा आपके फ़ोन के। तो आपके फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मर्ज कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और एक ही नाम से जो नंबर है हमारे कॉमन नंबर है, तो हम इसे मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको यहाँ पर जो आपका जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है मर्ज, आप बस इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आपने क्लिक किया दोस्तों, देखिए वहां पर तीन कॉन्टैक्ट थे और अभी जो है उसके जगह पर आपको सिंगल कॉन्टैक्ट ही नजर आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने फोन के ही ऑप्शन की मदद से, जो कि मर्ज डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट है, आपके फोन में कहीं ना कहीं ये ऑप्शन दिया होता है दोस्तों। अगर आपके फोन में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप प्ले स्टोर से बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जो कि आपके कॉन्टैक्ट को जो है सिंगल मर्ज कर सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।